हेलो एवरीवन वेलकम टू आर राइव ऑनलाइन क्लासेस टूडेज एम सी क्यू फॉर केमिस्ट्री इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल इज टेन परसेंट सेवेंटी परसेंट और फिफ्टी परसेंट राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा क्योंकि लेड पेंसिल में लेड नहीं ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है स्टूडेंट की ग्रेफाइड जो है एक फॉर्म होती है किसकी कार्बन की फॉर्म है ग्रेफाइट के साथ एक और इंपॉर्टेंट फॉर्म है कार्बन की दैट इज डायमंड डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप है यस yes, मैंने एक टर्म यहाँ पे कही दैट इज एलोट्रॉप्स ये एलोट्रॉप्स क्या होते हैं एनी एलिमेंट दैट प्रोजेसिस टू और मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म्स इन सेम स्टेट लाइक डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ग्रेफाइट जो है डायमंड के कम्पेरिजन में थोड़ा स्मूथ होता है और डायमंड बहुत हार्ड होता है डायमंड इज अ हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ ग्रेफाइड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ग्रेफाइड क्रिस्टेलाइन स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल इसकी शेप होती है ये भी आपको ध्यान में रखना है अगर हम ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर पे रखते हैं हाई प्रेशर पे रखते हैं तो ये डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है अगर डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ को हम एक तरह से देखें तो इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट होती है नहीं मैच होती लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं इसके साथ एक और क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि जो डायमंड है वो उसका स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल होता है मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में बाय बाय अ नाइस टाइम टेक केयर